अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ियाम एंड कोस। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है नोवोटैफ। नोवोटैफ 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और इन्फ्यूजन की फॉर्म में अवेलेबल है। ये सामी फार्मास्यूटिकल्स के एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल की बात की जाए तो वो है एसोमेप्राजोल। सबसे पहले एसोमेप्राजोल की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो एसोमेप्राजोल एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है जो कि रिड्यूस करता है स्टमक एसिडिटी को। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से खोराक की नाली ईसोफेगस से गुजरता हुआ हमारे स्टमक यानी मेदे में जाता है जहां उसकी डाइजेशन होती है। और हमारे स्टमक वाल में पेराइटल सेल्स होते हैं जिन्हें ऑक्सेंटिक या गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स भी कहा जाता है। और इन पेराइटल सेल के अंदर एक एंजाइम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम होता है जो कि सिक्रीट करता है H+ आयंस यानी प्रोटॉन्स को। और जब प्रोटॉन्स सिक्रीट होते हैं तो वो आपके गैस्ट्रिक ल्यूमन यानी स्टमक में आते हैं और डाइजेशन करते हैं और इसी को ही हम गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक एसिड आपके फूड और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, उनकी डाइजेशन करता है और उनसे जो मिनरल्स और न्यूट्रिशन ऑब्टेन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। और इसके साथ ही फूड में अगर किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ जाए उनको किल करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। और इसके साथ साथ आपकी स्टमक पीएच को भी मेंटेन करता है। अब ये तो है नॉर्मल डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी, मगर सम टाइम आपका गैस्ट्रिक एसिड इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है जो कि ड्यूडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हर्ट बर्न और एब्डोमिनल पेन को काज करता है। तो ये ड्रग एसोमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो कि पेराइटल सेल्स में मौजूद हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को इररिवर्सिबली बाइंड करती है और इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करती है जिससे H+ आयन यानी प्रोटॉन्स की सिक्रीशन नहीं होती। और जब प्रोटॉन सिक्रीट नहीं होगा तो इससे गैस्ट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और जब गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इससे आपको एसिडिटी भी नहीं होगी और आपका जो ड्यूडिनल और पेप्टिक अल्सर था उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब इसकी यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये ड्रग मेनली फॉर्मुलेटेड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीजेस, जिसमें होता यह है कि आपका जो डाइजेस्टिव एसिड है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है और ऊपर एसोफेगस यानी खुराक की नाली में आने लग जाता है जिससे आपको सीने में जलन यानी हर्ट बर्न होता है। साथ ही आपको डिस्पेप्सिया यानी बदहजमी होती है और ब्लोटिंग वगैरह भी होती है। इसके साथ ही अगर आपको जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम हो जिसमें होता यह है कि आपका गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इसकी ओवर प्रोडक्शन आपके स्टमक में सोर यानी जख्म और सोराख पैदा करती है जो कि पेप्टिक अल्सर को काज करता है। और जब ये पेप्टिक अल्सर यानी ये जख्म और सोराख आपके मेदे में हो तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। और अगर यही पेप्टिक अल्सर यानी जख्म और सुराख आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के शुरू में हो तो इसे ड्यूडिनल अल्सर कहा जाता है। और अगर ये खुराक की नाली में जख्म और सुराख हो तो इसे एसोफेगल अल्सर कहा जाता है। और इससे आपको पेट में दर्द होता है और स्पेशली खाना खाने से पहले आपको पेट में शदीद दर्द होता है। साथ ही आपको सीने में जलन होती है, बदहजमी होती है, ब्लोटिंग होती है और आपको डकार आते हैं। तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए इसे सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये जो पेप्टिक अल्सर होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसे एच पाइलोरी कहा जाता है उससे भी होता है। और अगर आप बहुत ज्यादा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यानी पेन किलर्स वगैरह यूज करते हैं तो इससे भी आपके मेदे में जख्म और सुराख हो जाते हैं। तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए इसे सेफली यूज किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपने इसे एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट या खाने से एक घंटा पहले सिर्फ एक गोली दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करनी है।
क्योंकि ये ड्रग अपने एक्शन को 24 आवर तक मेंटेन रखती है और इसे 14 टू 21 डेज तक ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, इससे ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज कर लेते हैं, इसे दिन में दो मरतबा या लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज कर लेते हैं, तो इससे आपको हड्डियों की कमजोरी की बीमारी, ऑस्टियोपेनिया और कैंसर वगैरह भी हो सकता है। और इसके दूसरे कॉमन साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, ड्राई माउथ होना और कॉन्स्टिपेशन का होना कॉमन है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ओमेप्राजोल और इसोमेप्राजोल में क्या फर्क है। तो ओवरऑल बेसिकली ओमेप्राजोल और इसोमेप्राजोल दोनों प्रोटोन पंप इनहिबिटर ही हैं और अपने एक्शन और फंक्शन को सेम परफॉर्म करती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस जरूर है। और अगर इनके केमिकल स्ट्रक्चर की डिफरेंस को डिस्कस करें तो इसोमेप्राजोल कंटेन ओनली वन आइसोमर जो कि एसोमेप्राजोल होता है, जबकि ओमेप्राजोल कंटेन टू आइसोमर्स विच आर एसोमेप्राजोल एंड आरोमेप्राजोल, और ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में अरेंजमेंट और सीक्वेंस डिफर होता है। अब इसके एक्शन को डिस्कस करते हैं, तो एसोमेप्राजोल का जो एक्शन है और एसिडिटी कंट्रोल करने में ज्यादा इफेक्टिव है, जबकि ओमेप्राजोल का इसके कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए एसोमेप्राजोल को फास्टेस्ट एक्टिंग प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी कहा जाता है। और अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो एसोमेप्राजोल का ड्यूरेशन लॉन्ग और क्विक होता है एज कम्पेयर टू ओमेप्राजोल। अगर इसके ड्रग इंट्रेक्शन की बात की जाए कि आप किन मेडिसिन के साथ इसको कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको एच पाइलोरी या ड्यूडिनल अल्सर हो तो आप इसको एंटीबायोटिक्स स्पेशली क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन के कॉम्बिनेशन से यूज कर सकते हैं, और ये मेडिकेशन आपने सिर्फ 10 दिन तक यूज करनी है। अगर इसे कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में इसे सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन काउंट अगर आपका कम हो तो इसे प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये आपके बॉडी में जो आयरन और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है उसको इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं करवाती, और जिससे आपको कॉमनली आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट के अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।